हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जे एसएससी वाला। कैसे दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग बात करने वाले, आप लोग थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि जे एसएससी सीजीएल एग्जाम सेंटर का तैयारी 90% से ऊपर हो चुका है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, मैं इसलिए ऐसा क्यों बोल रहे दोस्तों, क्योंकि दोस्तों कुछ संथाल परगना का डिस्ट्रिक्ट और कुछ नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीजन का जो थोड़ा सा एक दो डिस्ट्रिक्ट बच रहा है दोस्तों, वो पूरा पूरी ऑफिशियल मतलब डाटा नहीं दे पाया है, ठीक है, एजेंसी को। इस वजह से आप लोग देखे होंगे कि जेएसएससी आखिर ऑफिस से ऑफिशियल नोटिस क्यों नहीं जारी कर रहा है। आपको पता ही होगा कि ऑफिशियल तो पता नहीं है, लेकिन ऐसे तो पता चल गया है जो नोटिस दिया गया था कि सारे सारे जिला को कि 24 तारीख से पहले, 24 से 25 था शायद, 24 से 25 से पहले पहले सब रिपोर्ट सौंपे कि तैयारी किस हिसाब से अपना है, ठीक है। लेकिन एक दो कुछ डिस्ट्रिक्ट रह रहा दोस्तों, इसी वजह से जेएसएससी ने शायद इस वजह से शायद ऑफिशियल नोटिस नहीं निकाल पा रहा है, ठीक है। लेकिन दोस्तों इस पर आपको टेंशन करने वाली कोई बात नहीं है, आपको चिंता नहीं करना है, ठीक। इसके लिए आप वो गाल में हाथ रख के नहीं बैठना कि पता नहीं जब जैसे नोटिस देगा उसके साथ आप अपना गियर बदलेंगे, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। आपका एग्जाम जो डेट है दोस्तों 28 तारीख और 4 तारीख कन्फर्म ही है, ठीक है। 28 तारीख जनवरी वाला और कौन था 4 फरवरी वाला, ये कन्फर्म है दोस्तों, ठीक है। इसके लिए टेंशन मत रहिए कि एग्जाम कोई नहीं, अब दो चार सेंटर बच रहा है तो उसमें तो कभी भी दे देगा, उससे क्या अभी एग्जाम थोड़ी होने वाला, अभी एक महीना बाद आपके एग्जाम होने वाला, ठीक है। उससे कोई लेना देना नहीं दोस्तों, लेकिन सब चीज़ तो रिजेक्शन लिस्ट वगैरह तो हो ही गया। अब देखिए 15 से 20 तारीख तक सुनने में आ रहा है कि इसका एडमिट कार्ड वगैरह रिलीज कर दिया जाएगा। अब हो सके भाई एग्जाम डेट नहीं दे रहा, मान लीजिए जैसे जेएसएससी हालांकि ऑफिशियल नोटिस देना चाहिए था, ठीक है, ऑफिशियल कम से कम दे देना चाहिए था कि आपका एग्जाम डेट 28 जनवरी और 4 फरवरी को हो रहा है, ठीक है। इसे लड़का लोगों को सस्पेंस नहीं रहता, लेकिन फिर भी कुछ लोग सस्पेंस कर जाता है। और देखिए जिनको सिलेक्शन लेना है दोस्तों वो इस सब चीज़ से दूर है, ठीक है, अपनी तैयारी कर रहा है, कोई सस्पेंस का बात ही नहीं है। अब पता नहीं आप क्यों परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं जैसे सीधा डेट दिया नहीं है, फिर कैसे मान लें भैया, वो डेट ही अपना अपने आप में डेट है, ठीक है, जो आयोग के द्वारा दिया गया था कि 28 तारीख और 4 तारीख को एग्जाम होगा, सो 24 तारीख से पहले तक आप लोग रिपोर्ट सौंपिए, ठीक है, आयोग को, तो अपने आप में है। लेकिन एक देना चाहिए था लेकिन नहीं दिया, भगवान जाने क्यों नहीं दिया, क्या पता एक ही बार कुछ नया अपडेट दे, कौन जान रहा, ठीक है। लेकिन बात यही है दोस्तों कि आपका तैयारी लगभग हो चुका है, और सबसे बड़ी बात है कि दोस्तों सेंटर जो है जैसे जेपीएससी टाइप के नहीं बनाया है, ये आप लोग को एक अच्छी खबर है, ठीक है। अच्छी खबर ये है कि कहीं भी कुछ भी पेपर आउट हो रही सब का सिलसिला शायद ना सुनने को मिले, और काफ़ी आयोग भी अपने आप में अलर्ट है दोस्तों इस मामले में कि इस बार एग्जाम को किस तरह अच्छे तरीके से कराया जाए। अब कितना सफल है, कितना सक्सेस हो पाएगा दोस्तों, ये आने वाला समय पता चलेगा, ठीक है। वो 28 तारीख मतलब 28 तारीख को शाम को और 4 तारीख को शाम को पता चलेगा कि कितना आयोग इस पर एक्शन लिया और कितना अच्छे से काम किया, ठीक है। और सभी को उम्मीद है दोस्तों कि एग्जाम फेयर तरीके से हो जाए, वो बहुत अच्छी बात होने वाला है, ठीक है, ताकि लोगों को सरकार पर भरोसा कुछ बने, नहीं तो फिर दोस्तों फिर जैसे तैसे करके एग्जाम ले लेगा, रिजल्ट दे देगा, ज्वाइन करवा देगा, कोई मतलब नहीं बनेगा फिर, ठीक है यार। एग्जाम ऐसे लो फेयर तरीका से, जो टैलेंटेड लड़का जो एकदम जेन्युइन कैंडिडेट है, मेहनत कर रहा है, उसका सिलेक्शन होगा दोस्तों, तो जहाँ तक मेहनत से काम करेगा, ईमानदारी से काम करेगा, और भाई एक को पैसा देख चल जाएगा तो क्या काम करेगा भाई। मान ले 20-25 लाख रुपया देगा, नौकरी ले लेगा तो क्या सोचेगा शुरू में, भैया हम 25 लाख तो दिए हैं, हमको सुन लो पहले एक दो साल के अंदर, तो वो उसका ध्यान पैसा कमाने ज़्यादा रहेगा भाई, काम में कम रहेगा। तो भाई आप तो सरकार को सोचना चाहिए इस बात को कि हमारा झारखंड आगे तभी बढ़ पाएगा, इस तरह जब काम रहेगा तो कैसे बढ़ेगा बताइए। आप ही मान लीजिए सोचिए ना, आप ही एग्जाम में पैसा देख जा रहे थे, आप क्या सोचिएगा, पैसा दिए भाई 20 लाख रुपया कहाँ से लाएंगे, वही सोचिएगा कि चलिए एक दो साल मेहनत करते हैं, पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद देखा जाएगा। अब एक बार आपको आदत लग जाएगा पैसा कमाने का दोस्तों, तब फिर बता रहे हैं हराम का खाने सीख जाइएगा, फिर अच्छा काम करेगा ही करिएगा ही नहीं, अच्छा काम सोचिएगा फिर नहीं करिएगा, नहीं यार पैसा खाने में ज़्यादा मजा आती, वो काम नहीं करना यार, हराम का क्यों करना यार, मेहनत करो यार, ऊपर देख रहा गलत कीजिएगा तो आपके साथ भी गलत हो गई, बात याद रखिएगा, ठीक है। पूजा सिंगल देखिए कितना अरबों खरबों पैसा छाप दिया, कभी न कभी फंसना था भाई। अब कोई लोग बोलेगा छूट तो जाएगा, छूट जाएगा अलग बात है भाई, फंस गया ना, फंस गए ना, अभी है अंदर पड़ा हुआ, तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये गलत चीज़ का ये हो जाता है, ऐसा बात नहीं है। अब ऐसा आप बहुत सब देख रहे हैं, पंकज मिश्रा भी देख लीजिए कितना गुंडागर्दी के, पता नहीं क्या क्या करता था उस समय, उसके बोलता था कि हम आपको ईडी कुछ नहीं कर सकता, हम कुछ किए नहीं, दिखा दे छू के, ऐसे बहुत कुछ बोलता था भाई, बयान देखे थे, जब पुलिस पकड़ा था पैंट में सुसू हो गया था उसका शायद, समझ बात को, तो उस तरफ हो जाता, गलत कीजिएगा गलत होगा, आज ना कल आपके साथ हो ही जाएगा। इसलिए सरकार को सोचना चाहिए कि कम से कम एग्जाम फेयर तरीके से लिया जाए, जितना ज़्यादा फेयर हो, फेयर तो हो सकता है एग्जाम, ऐसा बात नहीं है, फेयर हो सकता है, चाहिएगा तो हो जाएगा, और नहीं चाहिएगा तो फिर अलग, उसका कुछ नहीं होगा। तो इसलिए छात्रों के बीच में थोड़ा टेंशन है, ठीक। हालांकि टेंशन आप लोग ये मतलब टेंशन मत लीजिए कि जेएसएससी ने डेट क्यों नहीं दे रहा है, मतलब ऑफिशियल ऑफिशियल है, हो सके डेट निकाल दे, लेकिन क्यों नहीं निकाल रहा है सभी को समझ से परे है, ठीक है। लेकिन बात यही है दोस्तों कि 90% लगभग हो चुका है, कुछ ही सेंटर संथाल परगना और नॉर्थ छोटा नागपुर जो कुछ जिला को थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब जब क्लियर होगा शायद इसी वजह से शायद जिस दिन क्लियर होगा उस दिन निकाल देगा नोटिस जेएसएससी कि आपका एग्जाम डेट ये है, ये डेट हो गया, ठीक है, इसीलिए शायद नहीं निकाल पा रहा हो, समझे ना। तो ये आपको अपडेट है दोस्तों, तो आप टेंशन फ्री रहिए, एग्जाम आपको 28 जनवरी और 4 फरवरी को ऐतिहासिक दिन होने वाला झारखंड में,
उसी दिन पता चलेगा 2017 या 2015 जितना भी फ्री सीट है किसका सिलेक्शन होने वाला उसी दिन पता चलेगा, ठीक है। इसलिए तैयारी कीजिए, जम के कीजिए जितने ज़्यादा हो सके। दोस्तों एक बार इसमें चूक जाइएगा ना तो यकीन बता रहे दोस्तों, पहली बात कि सचिवालय जो है ये 10 साल भूल जाइए फिर वैकेंसी इसका, जो अभी अभी एग्जाम देने जा रहे हैं 28 जनवरी 4 फरवरी को, 10 साल के पहले कोई वैकेंसी नहीं आने वाला इसका, ठीक है। सपना सपना अधूरा रह जाएगा। दूसरी बात, 2026 तक भी कोई वैकेंसी नहीं आने वाला है, जो 2024 में निकल गया 2026 तक बता रहे हैं कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। एग्ज़ाम देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, इस बात को रिकॉर्ड कर लीजिएगा आप लोग। ये हम अपने से नहीं बता रहे, ये हमको कहीं से कुछ पता चलता तभी बता रहे, ठीक है। इसलिए जिसको लेना एग्ज़ाम में, चाहे झारखंड पुलिस हो चाहे कोई भी हो, जेई पीजीटी तो हो चुका है, अभी बच रहा है सचिवालय का, जिसको लेना इसमें ले लीजिए, अच्छा मौका है। इससे बाद फिर 2 साल भूल जाइए, 3 साल फिर दिक्कत में फंस जाइएगा, फिर सेंट्रल की तैयारी कर लीजिएगा। फिर क्या लगता है सेंट्रल 2024 में सेंट्रल में सरकार बनेगी तो क्या लगता है आपको तुरंत 2024 में वैकेंसी दे देगा सेंट्रल में? नहीं देगा भाई, सब इन लोग राजनीतिक करता है इन लोगों ने कि चुनाव के टाइम पे कुछ वैकेंसी निकालता है, तो भाई 24 में चुनाव है सेंट्रल का, तब सोचते थे 24-25 तो कोई भी एग्ज़ाम नहीं देने वाला, ठीक है। एसएससी को जो टाइमली चला हो सकता है वो भी डिलीट कर दे आगे चल के, कौन जान रहा है, ठीक है। बाकी स्टेट का तो भाई 24 में चुनाव ही नवंबर में, 25 में अपना सेटल करने में लग जाएगा उन लोग, 26 में तो एक साल ऐसे गिनाएगा, 27 के बाद कुछ काम करना शुरू करेगा, ठीक है। तो आप लोग बात को समझिए, आप लोग डिमोटिवेट नहीं करें, आप लोग मोटिवेशन दे रहे चीज़ हम, आप लोग तैयारी कीजिए और सलेक्शन लीजिए। और जो छात्र ये सोचते हैं कि एग्जाम सेंटर का कंफर्म क्यों नहीं दे रहा है, उसके लिए टेंशन ये आपके लिए टेंशन नहीं भाई, आयोग का टेंशन है, ठीक है। इसके लिए आप टेंशन ये पूरा कीजिए आप कि आपको पेपर 2 और पेपर 3 में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर हो जाए, कोशिश कीजिए 85+ पेपर 2 में, और कम से कम 105 110 पेपर 3 में होना चाहिए, ठीक है। दोस्तों 110 115 आसान नहीं है पेपर 3 में, ठीक है, लेकिन क्या कीजिएगा, कोशिश किया करने में क्या जा रहा है, करके देखिए। आ जाएगा तो अच्छी बात, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं दोस्तों, एग्जाम को टाइम पता चल जाएगा, कट ऑफ तो कम भी जाएगा, जैसे क्वेश्चन टफ आ जाएगा तो कम चला जाएगा, तो वो सब टेंशन मत लीजिए, ठीक है। टेस्ट मारिए, और टेस्ट में नंबर नहीं आ रहा टेंशन नहीं लेना है, उसे क्वेश्चन सीखिए, कुछ कोई क्वेश्चन लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन आ सकता है सीखिए, उससे टेंशन नहीं लेना उसे लेकर, ठीक है। कभी कभी देखते हैं डिप्रेशन में चला जाता है कि नंबर नहीं आ रहा है, कि देखते हैं लड़का लोग मैसेज वगैरह फॉरवर्ड करता है कि पेपर टू में तो 80+ तो आ रहा है, लेकिन पेपर 3 में कहाँ आ रहा है, 76 ही आ रहा है, 90 ही आ रहा है, 100 पार नहीं कर रहा है। तो नहीं पार कर रहा है तो हो सकता है आपका एग्जाम के दिन पार करेगा भाई, इसका मतलब ये थोड़ी आपको टेस्ट में 90 आ रहा है तो आपके एग्जाम में 90+ नहीं आएगा, सो ऐसा कुछ नहीं, आपको नंबर बढ़ेगा, ठीक है। टेस्ट का अलग चीज़ होता है और एग्जाम के दिन अलग चीज़, एग्जाम सिलेबस के अकॉर्डिंग बनता है सब चीज़, टेस्ट में देखें उठपटांग कुछ पूछता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको बस उसमें सीखना है कि नया नया चीज़ कहाँ से क्या क्या मिल रहा है, उसको अच्छा से लिख लें कॉपी में या फिर दिमाग में बैठा लें जो एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए तैयारी कीजिए जितना भी छात्र हैं, बस एक महीना कष्ट कीजिए भाई, 1 महीना 30 दिन पूरा पूरे। आप सोचिए आज कितना तारीख हो गया, आज 28 तारीख तो हो ही गया है, ठीक है। बस पूरा पूरी आप 1 महीना रखिए, झेल लीजिए किसी तरह करके, जैसे भी करना हो झेलना झेल लीजिए भाई, शायद यही 30 महीना आपके लाइफ आगे जो आने वाला है उसके लिए क्या बताएं एकदम जिंदगी रॉयल जिंदगी जिएगा, जीने का मौका मिलेगा, अति 30 दिन बढ़िया से हो गया तो, समझ रहे ना। अरे देखिए मेहनत तो सबको कर रहा है लेकिन सिलेक्शन 2000 का होना है, तो इसीलिए बार बार बोलते थोड़ा सा अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, मतलब स्मार्ट तरीका से, ऐसा नहीं को किताब उल्टे और शुरू पे से लेकर अंत पे शुरू कर, नहीं भाई थोड़ा सा। जैसे कि आपको कल मैथ में क्वेश्चन 7:30 बजे वीडियो देखिएगा दोस्तों, जो कल एक वीडियो आने वाला आपका, ठीक है, देखिएगा पक्का, वहाँ देखिएगा 5 से 8 क्वेश्चन आपको नंबर बता दें, 1 क्वेश्चन 3 है, 3, 6, 9 मतलब बता दें 6 से लेके 9 नंबर आपको फायदा नहीं हुआ, वो भी उस वीडियो से देख लीजिएगा। मैथ का स्टूडेंट है तो उसको तो पता दिक्कत नहीं, थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन जो पुराना स्टूडेंट डर मैथ में जरूर देखिएगा उसको। 3 क्वेश्चन बताएं दोस्तों, यूनिक सोल्यूशन, मैनी सोल्यूशन और नहीं होता है इन्फिनाइट सोल्यूशन करके जो है, नो सोल्यूशन, वो कंडीशन पूछता है दोस्तों, इस बार भी पूछेगा लग रहा है, और साइन थीटा कॉस थीटा वैल्यू क्या है, वो सब देखिएगा दोस्तों, काम आएगा, वो पीडीएफ को डाल देंगे टेलीग्राम में, हालांकि वीडियो देखिएगा तो 7:30 बजे वीडियो आएगा तो 10:11 बजे तक डाल देंगे पीडीएफ को हम टेलीग्राम में भी और पेटला ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है। तो देखिए वो पूरा अपने हिसाब से दे रहे हैं, जो अच्छा अच्छा चीज़ लग रहा है, जो लग रहा है एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है, वो हम बता रहे हैं। बाकी कंकरेंटली देखिए एग्जाम में आया था नगर पालिका में, A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3 कंकरेंट कंडीशन में क्या होता है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 कर देना है, तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करने आपको आना चाहिए, डिटर्मिनेंट सॉल्व कैसे होता है, ठीक है, पर तरीका भी बता दिए थे कि कैसे सॉल्व किया जाता है, हालांकि एक क्वेश्चन बताए थे, और दिक्कत होगा तो बता दीजिएगा, वीडियो में बना देंगे, कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन आना चाहिए। देखिए क्वेश्चन बना जैसे से इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो एग्जाम क्वेश्चन सेट करा उसका ध्यान इसमें है, इस टॉपिक पे, यूनिक सोल्यूशन, मैनी सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, कंकरेंट मतलब क्या होता है, ठीक है, पैरेलल लाइन का जो होता है स्लोप का क्या होता है, परपेंडिकुलर लाइन का क्या होता है, ठीक है, जैसे पैरेलल का क्या होता है, M1=M2 स्लोप बराबर होता है, परपेंडिकुलर का क्या होता है, दोनों स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, तो सब चीज़ पूछ रहा है, बात तो समझिए आप लोग, तो उस सब चीज़ देखते हुए तैयारी कीजिए ना, आँख मुंद नहीं करना है कि हम चलो भाई तैयारी कर रहे हैं ऐसे तैयारी करते हैं, SSC CGL का मैथ्स लगा लेते हैं फिर फाड़ देंगे
सचिवालय परीक्षा में, फिर गलती ये अपने आप में गलती कर रहे हैं, ठीक है, फिर भूल जाइएगा सिलेक्शन। जब तक एग्जाम वारंटी नहीं कीजिएगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। और सबसे बेस्ट तरीका बता रहे हैं, जो क्वेश्चन दरोगा वाला लगा लीजिए, बहुत बेस्ट, अति बेस्ट लग रहा है हमको, कर लीजिए जो डर खत्म हो जाएगा। बाकी देखिए जिसका मैथ में पकड़ बढ़िया से दोस्तों, तो उसको कोई एग्जाम बैठा दे एग्जाम बढ़िया अच्छा स्कोर करिए लेगा, दो चार स्टूडेंट की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन एवरेज टाइप में जिसको डर लग रहा है उसके लिए बता रहे हैं कि दरोगा वाला देख लीजिए, साइंस का भी देख लीजिए, रीजनिंग का देख लीजिए, मैथ का देख लीजिए, सब कंप्लीट हो जाएगा उसमें, जीके का भी बहुत सारा है, ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। अब सबसे बड़ी बात दोस्तों, किताब खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि टेलीग्राम में सब डाल दिए पीडीएफ बना बना के कंपाइल करके एक साथ, और उसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा यूट्यूब पे पहले बता रखे हैं। तो जिनको लग रहा है तो देख ही रहा है, जिनको लग रहा है कि नहीं हम एसएससी सीजीएल ही मेंस करेंगे तो फिर करते रहो भाई, उसे कुछ नहीं मना कर, ठीक है। चलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको बात पसंद आ गई होगा, मेरी बात क्या समझना चाह रहे थे, आपको ध्यान नहीं देना इधर कि ठीक है कि एग्जाम सेंटर कितना परसेंट हुआ नहीं हुआ, बस आपको तैयारी करना है, और जब भी जेएससी को लगेगा नोटिस दे देंगे ऑफिस से, उस दे देगा, सब चीज़ तैयार हो जाए, रिजेक्शन वगैरह सब चीज़ आ ही चाहिए, आप तो बस एडमिट कार्ड आना भाई, ठीक है, शायद नहीं दे नोटिस, क्या पता तो चली गया सबको 28 तारीख, भैया उतना मीडिया के सामने बोला था, उतना भीड़ भाड़ के सामने बोला था 28 तारीख को, तो इतना झूठ तो नहीं बोलेगा भाई कि एग्जाम डेट फिर से इससे बदलाव किया जाए, ठीक है। तो तैयारी चल रहा है, आप लोग टेंशन फ्री रहिए, आपको यकीन नहीं होगा तो आप लोग अंदर से पता भी कर सकते हैं, तैयारी चल रहा है एग्जाम को लेने का, ठीक है। ठीक है दोस्तों, चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जितना वीडियो दे जरूर देखिएगा उसको, एग्जाम ओरिएंटेड है, बार बार बोल रहे हैं, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल जेएसएससी वाले पे जुड़ जाइए, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।